हेलो एवरीवन, अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप सब? अभी जो है मैं जा रही हूँ आइकिया, तो सोचा मैं आपको भी अपने साथ लेके चलती हूँ। यहाँ पे जो है मैं और मनहा और हस्बैंड आए हुए हैं, कुछ घर की शॉपिंग करनी थी। हम लोगों ने अपना घर का फर्नीचर जो है वो न्यू लेना था, तो मैंने सोचा चलो व्लॉग भी यहीं से स्टार्ट करते हैं। और आज मौसम जो है वो बादल हैं, मौसम जो है थोड़ा थोड़ा ठंडा भी है, लेकिन इतना ठंडा नहीं है, नॉर्मल ही है। आप जैकेट वगैरह, लाइट सी जैकेट की अब ज़रूरत पड़ती है। और गर्मियां तो इस पर हमने इतनी देखी ही नहीं, क्योंकि पिछले साल तो फिर भी अच्छी खासी गर्मी पड़ी थी, ऑलमोस्ट 35 तक टेम्परेचर गया ही था होगा। लेकिन इस बार तो गर्मी का कोई सीन नहीं है, अभी भी जो है ऑलमोस्ट टेम्परेचर जो है 16-15 ऐसे ही रह रहा है। उस दिन तो मैं जैकेट नहीं पहन के गई थी, और ठंड भी काफ़ी थी, और जो है मनहा को भी कुछ नहीं पहना के लेके गए थे। घर में ऐसे लगता है जैसे पाकिस्तान में हब्स होती है ना घर के अंदर, ऐसे ही लग रहा होता है कि अंदर बड़ी गर्मी है, लेकिन जब बाहर निकलो तो फिर पता चलता है कि मौसम कैसा है। बहरहाल फिर हम लोग गए यहाँ से आइकिया, ट्राम ली, ट्राम से फिर हम लोग स्टेशन पे उतरे, फिर वहाँ से हम लोगों ने आगे मेट्रो ली थी। ऑलमोस्ट मेरे घर से 1.25 घंटा लग ही जाता है वहाँ पे चलते हुए। यहाँ पे हम लोग मेट्रो से उतर के ऑलमोस्ट 10 मिनट्स की वॉक थी, और वहाँ पे फिर हम लोग जो है ऑलमोस्ट अब हम पहुँच चुके हैं आइकिया। और मैंने जो है लेना था अपने घर के लिए डाइनिंग टेबल लेना था। जो है जब हम यहाँ पे आए थे, 2 ईयर्स हो चुके हैं माशाल्लाह से इस घर में हमें, तो हम लोगों ने डाइनिंग जो है वो नहीं लिया था, क्योंकि हम लोग फिगर आउट कर रहे थे, हमने सोफ़े वगैरह भी चेंज कर लिए हैं। अब तो स्पेस के अकॉर्डिंग चीज़ आपको लेनी पड़ती है, कि मेजरमेंट करके क्या चीज़ कहाँ पे आपको कितना जो है वो किस हिसाब से चाहिए। तो हम लोगों ने काफ़ी न्यू एडिशन किए हैं घर में, तो वो मैं आपको बाद में सारा कुछ दिखाऊंगी कि क्या क्या न्यू चीज़ें मैं लेके आई हूँ। फ़िलहाल यहाँ पर हम चलते हैं आइकिया और आपके साथ अपनी शॉपिंग शेयर करती हूँ।
और यहाँ पे हम साथ साथ सोफ़े भी देख रहे थे, बहुत ही खूबसूरत सोफ़े थे और प्रॉपर उन्होंने सेटअप करके दिया हुआ था कि आप कौन सी चीज़ कहाँ पे रख सकते हैं। फर्नीचर यहाँ पे हम मनहा को दे सकते हैं, वो तो इस किचन के लिए बेबी किचन सेट है, बहुत ही खूबसूरत था। हम लोगों ने सोचा कि उसको लेके देते हैं, लेकिन अभी नहीं लेके दूंगी क्योंकि जो है अभी उसका रूम जो है प्रॉपर डिकोर होगा, उसके रूम को हम देखेंगे कि वो कौन सी चीज़ कहाँ पे आएगी और उसके बाद उसकी स्पेस बना के उसके लिए लेके देंगे। यहाँ पे आपको ईच एंड एवरी थिंग मिल जाएगी अंडर वन रूफ। यहाँ पे बेबीज़ के लिए ये आप देख सकते हैं कि टॉयस थे, मंकी और पू वगैरह काफ़ी चीज़ें यहाँ पे थी, जो आप बच्चे आप बच्चों के लिए कुछ भी लेना चाहते हैं, किचन से रिलेटेड, वॉशरूम से रिलेटेड, हाउस डिकोर, इसके अलावा आप ईच एंड एवरी सिंगल थिंग जो है आप जो है यहाँ से आपको मिल जाएगी। मनहा की जो हाई चेयर थी यहीं से ली थी, और सबसे बड़ी बात है कि इसकी प्राइस बहुत ही रिजनेबल है और आप हर चीज़ यहाँ से जो है आपको इजीली अवेलेबल हो जाएगी अंडर वन रूफ। और यहाँ पे मैं ये देख रही थी अपने रूम के लिए मिरर के कौन सा जो है कैसा लग रहा है और किस तरह से हमारे रूम में अच्छा लगेगा। यहाँ पे हम लोग मैं फिगर आउट कर रही थी चेयर्स और अपने रूम का डाइनिंग टेबल। तो डाइनिंग टेबल तो थे बहुत प्यारे, बड़े भी बहुत ज़्यादा थे, लेकिन हमने बड़ा नहीं लेना था, थोड़ा 4 सीटर्स लेना था, 6 सीटर्स भी था, 8 सीटर्स भी था, डिफरेंट थे। और फिर हमने चेयर्स वगैरह भी उसको फिगर आउट करनी थी कि कौन सी चेयर उसके साथ बेस्ट लगेगी, कौन सी अच्छी लगेगी। और यहाँ फिर हम लोगों ने जो है 4 सीटर लिया था, मैं आपको आगे जाके दिखाऊंगी कौन सा हमने लिया था। हमारे जो है थीम के अकॉर्डिंग देखना पड़ता है कि आपके रूम के साथ कौन सा कलर जाएगा जो है टेबल का। और यहाँ पे आप देख सकते हैं ये वाला जो टेबल है, ये मेरे जो है कबर्ड रखी हुई है हम लोगों ने, वहाँ उसके साथ मैच करता है। मेरे जो रूम का जो वो है थीम है वो ग्रे गोल्डन और जो है वो वाइट है, तो ये बिल्कुल परफेक्ट जा रहा था। और इसके साथ 4 चेयर्स थी, तो हम लोगों ने ये जो है ऑर्डर कर लिया था और जो है शाम को ही हस्बैंड लेके आ गए थे। और यहाँ पे आप देख सकते हैं आपको बेड आपको नज़र आ रहे होंगे, सिंगल बेड, डबल बेड, बेबी बेड, टोडलर के बेड जो होते हैं, और उसके साइड टेबल, चेंजिंग टेबल, फिर आपको ईच एंड एवरी सिंगल थिंग जो है आपको मिल जाते। और मज़े की बात है कि यहाँ पे जाके आपको आपके 3 से 4 घंटे तो ऐसे गुजर जाते हैं जैसे आपको पता ही नहीं चलता, बहुत ही अच्छा टाइम गुजरता है। और दूसरे नंबर पे आपको एक तो आउटडोर शॉपिंग जो है उसका मज़ा ही कुछ और है। पहले ये था कि लॉकडाउन था और उसके बाद 4 मंथ से ज़्यादा जो है ये सब कुछ बंद रहा है, और उसके बाद इतने अरसे बाद यहाँ पे आप बाहर निकलें तो बहुत ही मज़ा आता है। इस तरह से आपको बाहर जाते हैं, इंजॉय करते हैं। और फिर उसके बाद हम लोगों ने भूख लग गई थी और वहाँ से हमने टेबल वगैरह ले लिया था और हम लोग जा रहे थे कुछ हम खाएं पियेंगे यहाँ पे। यहाँ से हम लोगों ने ली मेट्रो, मेट्रो से हम उतरेंगे एक बेलमर में, एक स्टेशन है वहाँ पे जो है हलाल फूड मिलना थोड़ा मुश्किल होता है, यहाँ पे ऑप्शंस कम है यहाँ पे, लेकिन अब मिल जाता है। तो बेलमर में एक जो है हलाल फूड शॉप है, वहाँ से हम लोगों ने जो है फिर खाना ऑर्डर किया था। अपना खाना तो नहीं था, मैं आपको दिखाती हूँ कि क्या था। एक किप क्या कह सकते हैं, चिकन जो है सैंडविच या बर्गर की तरह ही था वो था। यहाँ पे इसका टेस्ट बहुत अच्छा था, बहुत ज़्यादा 10/10। और यहाँ पे हम लोग बैठे हुए थे और अपने फूड का वेट कर रहे थे, अकमल जो है वो ऑर्डर दे आए थे और 5 से 6 मिनट्स में आपका ऑर्डर आ जाता है। मौसम बहुत अच्छा था, अंदर इतना आउटडोर इंडोर दोनों तरफ आप बैठ सकते हैं क्योंकि अब लॉकडाउन ख़त्म हो चुका है, तो आप जो हैं आप बैठ सकते हैं अंदर भी। और यहाँ पे हमारा फूड आ चुका था, हम लोगों ने जो है मनहा के लिए चिप्स मंगवाई थी और ये था यमीसा टर्किश आई थिंक सो, ये बन था और इसके अंदर चिकन थी और सैलड था। और यहाँ पे मनहा अपनी चिप्स इंजॉय करी, चिप्स बहुत गर्म गर्म थी तो वो जो है मैंने उसको छोटे छोटे पीस करके दिए थे। और ये जो था माउथ वाटरिंग था, बहुत ही टेस्टी था 10/10। अगर आप यहाँ पे रहते हैं, बेलमर में रहते हैं, तो यहाँ आपको जो है इंडियन शॉप है वहाँ उसके सामने ही ये मिलेगा। और ये सेकंड डे की क्लिप है, हम लोग गए थे माय फेवरेट कॉफ़ी शॉप, क्योंकि ऑलमोस्ट 4 मंथ्स बाद मैं कॉफ़ी पी रही हूँ वो भी बाय, क्योंकि लॉकडाउन था। और यहाँ पे मेरा फेवरेट चॉकलेट केक और अकमल का रेड वेलवेट केक। और यहाँ पे जो है इतने अरसे बाद बाहर बैठ के कॉफ़ी पीने का जो मज़ा था, आई कॉन्ट टेल यू गाइज, बहुत ही मज़ा इंजॉय किया। मनहा ने भी बहुत इंजॉय किया क्योंकि लॉकडाउन की वजह से हम लोग घर में से, आप कहीं कॉफ़ी शॉप आउटडोर तो फिर भी
आप जा सकते थे, आप कुछ खा पी सकते थे, लेकिन इंडोर आपको अलाउ नहीं था। तो यहाँ पे हम लोग जो है फिर सेकंड डे जो है कॉफ़ी पीने आए और हमने बहुत इन्जॉय किया इस टाइम को। होप सो ये वीडियो आपको अच्छी लगी होगी। अगर अच्छी लगी तो लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब।